जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल पपौरा जी में लगभग 30 एकड़ में फैली दयोदय चारागाह और गौशाला का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी मुख्य अतिथि और वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी श्री पाल नायक विशेष तौर पर मौजूद रहे। आधुनिक गौशाला का निर्माण विधिवत रूप से किया जाए, इसके लिए सभी ने शासन प्रशासन के सहयोग के साथ साथ जन सहयोग से निर्माण का आह्वान किया है। इस मौके पर विधायक राकेश गिरी ने कहा कि गौशाला के रखरखाव और उनके संरक्षण के लिए जो भी जरूरी प्रयास किए जाएंगे उसमें रुकावट नहीं आएगी और एक भव्य गेट का निर्माण किया जाएगा। इसे मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गौशाला बनाने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व में भी पपौरा की गौशाला को मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गौशाला का प्रमाण पत्र मिल चुका है। अभी वर्तमान में लगभग 1700 गायें गौशाला में रह रही हैं, जिनका हर दृष्टि से ध्यान रखा जा रहा है। आज देवदय पपौरा में जो गौशाला चल रही है उसी गौशाला को विस्तारित कर बड़ा किया जा रहा है। ये उसी में आज लगभग 70 लाख रुपए की लागत से चारागाह के निर्माण का आज भूमि पूजन किया गया है। और भूमि पूजन के समय जैन समाज के पूरे इनके गौशाला के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। उस गौशाला के लिए मैंने आश्वस्त किया है कि जो भी हर संभव मदद होगी वो की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।